एवं ठीक नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि अपठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नारायण भामति ब्रह्मसूत्र 2:1:1। एवं पूर्वतरानुसारेण पूर्वस्मिन् पूर्वतमानुसारेण च पूर्वतर इत्यनादिरयं शास्त्रेश्वरयोः कार्यकारण भावः। अब कहते हैं यद्यपि जो वेद हैं वस्तुतः अपौर से यही हैं, परंतु सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर के प्रारंभ में आनपूर्वी घटित शब्द राशि रूप वेदों का यथावत दर्शन करके आदि कवि हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी को उसका उपदेश करते हैं। संप्रदाय प्रवर्तक होने के कारण ईश्वर को वेद का कारण माना गया शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र के माध्यम से। कल विस्तार पूर्वक कहा गया किस अभिप्राय से वेद पौर से हैं, किस अभिप्राय से अपौर से हैं। वैशेषिक आदि तो ईश्वर कर्तृक ही वेद को मानते हैं, जबकि हम वेदांति ईश्वर कर्तृक वेद को नहीं मानते हैं, परंतु वे सर्वज्ञ हैं। महाप्रलय में उनसे एकीभूत होकर ही अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि रूप वेद विद्यमान रहते हैं। उसी को वे महासर के प्रारंभ में यथावत देखकर फिर उनके नाभि कमल से अभिव्यक्त ब्रह्मा जी को यथावत उसका उपदेश कर देते हैं। इस दृष्टि से वेदों में पौरुषेयत्व चरितार्थ है, लेकिन वाक्यपदीयम के अनुसार न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुभेद ना हो। तो सृष्ट्यादि विषयक ईश्वर के ज्ञान में सन्निहित अनादि अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। उसी वेद को भगवान क्या करते हैं,
ब्रह्मा जी को उपदेश देकर संप्रदाय प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। मैंने कई बार संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया, आजकल इसका दुरुपयोग किया जाता है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने बताया, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य वंशर्षिभ्य नमो महाभ्य, सनातन वेद विद्या को और वेद को श्रीमन्नारायण की परंपरा से ख्यापित करने की जो प्रथा है उसी का नाम संप्रदाय है। संप्रदाय शब्द आदर का द्योतक है, सांप्रदायिक भी आदर के द्योतक हैं। स्वतंत्र भारत में कुछ वर्षों से संप्रदाय और सांप्रदायिक इन दोनों शब्दों का अर्थ विभत्स ढंग से किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं, अभियुक्तानां कहा भगवान ने। अभिता युक्त समाहित सर्वतोभावन सर्वतोभावन शिष्ट संयत जो पुरुष हैं, आजकल अभियुक्त का अर्थ होता है जेल के सिकंजे में बंद होने योग्य। इस प्रकार से हमारे पवित्र शब्दों को भी स्वतंत्र भारत में दिशाहीन किया गया है, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न की गई है, यह बात दूसरी है। कहते हैं कि इस कल्प में महासर के प्रारंभ में भगवान ने पूर्व कल्प में जिस प्रकार शब्द राशि जिनको हम वेद कहते हैं थे, उनका दर्शन किया, साक्षात्कार किया, यथावत उसका यथावत उपदेश कर दिया, उसका अर्थ भी भगवान के हृदय में प्रकाशित हुआ यथावत। उससे पूर्व कल्प में फिर उससे पूर्व कल्प में जो वेद था, इस प्रकार वेद का अनादित्व सिद्ध है। भगवान अनादि हैं, प्रकृति भी अनादि है, वेद भी अनादि ही हैं। यह बात दूसरी है कि अनादि होते हुए अबाध्य होने के कारण भगवान अनंत भी हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः है, अनादि निर्गुण होने के कारण भगवान क्या है, इसलिए त्रिगुण विषया वेदाः निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन। यहाँ पर सबके सब वेद त्रिगुणात्मक संसार कोई विषय करते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। अधिकांश जो वेद राशि उस संसार को ही विषय करते हैं, लेकिन संसार से अतीत जो ब्रह्म तत्व है वह निर्गुण है। तुम वेदों का तात्पर्य भी उस निर्गुण परमात्मा में ही समझो। 80% वेदों के वचन कर्मकांड परक हैं, 16% उपासना कांड परक हैं, 4% ज्ञान कांड परक हैं। उन 4% ज्ञान कांड परक वचन का अंतर्भाव भी अंत में 4 महावाक्यों में हो जाता है। 4 महावाक्यों का अंतर्भाव भी केवल एकाक्षर प्रणव में हो जाता है, शब्द ब्रह्म में। इस प्रकार से वेद कालगर्भित और कालातीत दोनों प्रकार के तत्व को उद्भाषित करते हैं। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। एक मनुस्मृति का वचन है, एक मांडुक्य उपनिषद का वचन है। पूर्वतरानुसारेण पूर्वस्मिन् पूर्वतमानुसारेण च पूर्वतर इति अनादिरयम् शास्त्रेश्वरयोः कार्यकारण भावः। शास्त्र माने वेद और ईश्वर का जो कार्यकारण भाव है। एक कुर्सी भाई अंदर से ला के इनको दे दो। अभी आ रही है कुर्सी। ईश्वर का और वेद का जो कार्य कारण भाव है अनादि, वेद भी अनादि हैं, ईश्वर भी अनादि।
कल विस्तार पूर्वक बताया गया, जब दो अनादि हों तो दोनों में किसी को किसी का कार्य न मानना, ये सैद्धांतिक गुण है या दोष? स्वरूप वैभव इसको कहते हैं। दो अनादि होंगे तो उनमें जो कार्य कारण भाव होगा मुख्य तो नहीं होगा, अभिव्यंग अभिव्यंजक भाव का नाम ही कार्य कारण भाव हो सकता है। क्या भगवान प्रकृति की सृष्टि करते हैं या प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं? तो प्रकृति में पुरुषंच एव विध्यनादि भावपि, प्रकृति या माया भी अनादि है, भगवान भी अनादि हैं, लेकिन प्रकृति में भगवान का लय हो जाए है ऐसा संभव नहीं, भगवान में प्रकृति का लय होता है। एक सुबालोपनिषद है, उसको श्री रामानुजाचार्य ने बहुत महत्व दिया है। उन्होंने अच्छा नियम निकाला सुबालोपनिषद से, जो श्वेतर अन्यों का क्रमशः लयस्थान हो, जिसका लयस्थान कोई ना हो, वही तो ईश्वर हुआ ना। पार्थिव प्रपंच का लय पृथ्वी में, पृथ्वी का जल में, इस क्रम से होते होते सबका लय प्रकृति में, प्रकृति का लय भी महाप्रलय में, परमात्मा में, महाभारत आदि के अनुसार। प्रकृति भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि हैं, लेकिन प्रकृति का लय परमात्मा में होगा ना, परमात्मा का लय तो प्रकृति में नहीं होगा। तो प्रमुखता दो अनादि पदार्थों में किसकी रही? परमात्मा की। कल बताया प्रकृति के स्थान पर यहाँ वेद ले लीजिए, वेद भी अनादि हैं, भगवान भी अनादि हैं, तो कौन किसके कार्य, कौन किसके कारण, लेकिन कार्य कारण भाव भी उच्चरित है। शास्त्र योनित्वाद का दो वर्णन किया भगवान भाष्यकार ने, शास्त्र जिस का कारण है और शास्त्र का जो कारण है, तो बहुत विचित्र बात है। मैंने कहा ना, सुनते ही व्यक्त कहेंगे बल तो व्याघात, दो वस्तुओं में एक दूसरे का कारण हो जाए संभव नहीं, एक ही एक कार्य होगा, एक कारण ही होगा। तो मैंने कल बताया था, परसों बताया, आज भी बताया कि देवता जो होते हैं अन्योन्य प्रकृतिक होते हैं, प्रकृति माने उपादान। या देवता में क्षमता है कि देवता अन्योन्य प्रकृतिक होते हैं, एक दूसरे के कारण हो जाते हैं। तो अनादि में भी भगवान में वेद का लय होगा या वेद में भगवान का लय होगा? भगवान में वेद का लय होगा, क्योंकि भगवान साक्षात चिद्धातु हैं, स्वप्रकाश हैं। दो चार तो स्वप्रकाश नहीं हो सकते, भगवान ही स्वप्रकाश हैं, इसलिए भगवान में ही वेदों का लय होगा, काल का भी लय होगा, प्रकृति का भी लय होगा भगवान में ही। दोनों एक दूसरे के अनादि काल से कार्य कारण हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वेदों के द्वारा जिस भगवत तत्व का अधिगम होता है, वही भगवत तत्व वास्तव में भगवत तत्व सिद्ध हो सकता है। इसलिए वेद कारण किसके हो गए? भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के प्रतिपादक। प्रतिपादक होना ही तो वास्तव में उत्पादक या प्रतिपादक, प्रतिपादक होने के कारण वेदों को कह दिया परमात्मा का कारण। शास्त्र योनित्वात माने योनि माने कारण, उपदेशक अभिव्यंजक होने के कारण भगवान को कह दिया वेदों का कारण। इस प्रकार से कोई दोष की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात भगवान ही वेद के प्रथम दृष्टा और उपदेष्टा हैं, इतने अंश में भगवान वेदों के कारण हैं। लेकिन उस भगवत तत्व का ज्ञान वेदों के द्वारा ही हो सकता है। क्या केवल तर्कणा शक्ति के बल पर जो भगवत तत्व सिद्ध होगा वो वास्तव में भगवान के लक्षण से भिन्न होगा? क्या
इसलिए वेद की सीमा के बाहर, एक कुर्सी और ले आओ भाई अंदर से, आप बैठिए मत, आपके कमर में दर्द। तो हमने कहा कि वेद की सीमा के बाहर का जो ईश्वर होगा, उस ईश्वर में ईश्वर का लक्षण ही चरितार्थ नहीं होगा। तो वेदिक समाधिगम ईश्वर, ईश्वर के द्वारा ही एकमात्र वेदों का प्रवर्तन, माने वैदिक संप्रदाय का प्रवर्तन, वेदों का प्रथम, वेदों के प्रथम दृष्टा उपदेष्टा कौन है? तो ऋषि कोटि के हो गए, परम ऋषि भगवान हो गए, यानी वेदों के दृष्टा हो गए, उपदेष्टा हो गए, रचयिता नहीं। ऋषि लोग क्या होते हैं? मंत्रार्थ और मंत्र के दृष्टा होते हैं। भगवान प्रथम ऋषि हैं, वो वेदों के दृष्टा हैं, उपदेष्टा हैं, रचयिता भगवान भी हैं। तो न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाद्रते का अर्थ जो हमारे पूज्य गुरुदेव करते थे, इसी से हम वेदों को अपौर से सिद्ध कर सकते हैं। व्याकरण के दर्शन से जब व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का योग ना हो, तो भगवान में जो पांच प्रकार के ज्ञान हैं, कौन कौन? उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये पांच प्रकार का ज्ञान किसमें है? भगवान। हम लोगों में है आंशिक। कुम्हार जो है घटादि बना सकता है, पृथ्वी थोड़े बना सकता है। इंजीनियर जो है पृथ्वी नहीं बना सकते, जल नहीं बना सकते, तेज नहीं बना सकते, वायु नहीं बना सकते, आकाश नहीं बना सकते। भगवान के द्वारा बनाए हुए जो पांच भूत हैं, इनका उपयोग करके कोई तारतम्य संघात की रचना कर सकते हैं क्या? लेकिन वो भी वृक्षादि के समान तारतम्य संघात की रचना कर नहीं सकते क्या? भगवान जो हैं ये क्या हैं? 84 लक्षियोनियाँ मनुष्यादि शरीर। वृक्षादि जो हैं ये तो तारतम्य संघात हैं पंचीकृत पंचभूतों के। इस तारतम्य संघात से भी घटिया क्या, घटिया वस्तु या पदार्थ को ही कोई इंजीनियर बना सकता है, मैटर को नहीं बना सकता, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को। इनका उपयोग करके कोई यंत्र बना सकता है, कोई नवीन वस्तु भी बना सकता है, लेकिन वो सब तारतम्य संघात ही होंगे। तो भगवान में पांच प्रकार के ज्ञान हो गए, सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर, स्थिति को लेकर, संहार को लेकर, निग्रह को लेकर, अनुग्रह को लेकर। ये पांच कृत्य हैं, पांचों कृत्य एक एक कृत्य की प्रधानता से पांच भूत हैं। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? शिव पुराण से। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य है, पृथ्वी से स्थावर जंगम प्राणी उद्बुद्ध हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जल जीवन है, जल के पीने से जीवन की रक्षा होती है। तो स्थिति का सिद्धांत जल में विशेष रूप से क्रियान्वित है, अग्नि तत्व दाहक है, संहारणी शक्ति अग्नि में विशेषकर विद्यमान है। वायु जो है निग्रह करने में समर्थ है, निग्रह का दूसरा नाम है तिरोधान। तिरोधान शब्द और निग्रह, कहीं तिरोधान शब्द का प्रयोग होता है, कहीं निग्रह, निग्रह तिरोधान में अवान्तर भेद होने पर भी निग्रह करने में वायु समर्थ, अनुग्रह करने में धारक तो आकाशी, अंत में अनुग्रह विग्रह कौन है? आकाश। भगवान में ये पांचों कृत्य होते हैं, पांच कृत्यों के निर्वाहक भगवान हो जाते हैं। तो वेदों में भी क्या है? इन पंच कृत्यों का ये उपदेश है। तो भगवान भी जो सृष्टि की संरचना करते हैं, आगे हम बताएंगे, और जिन्होंने यहाँ देवताधिकरणम पढ़ा है हमसे, वो उनको स्मरण होगा, नहीं तो इसी प्रसंग में हम बताएंगे भी आगे कि वैदिक शब्दों से ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। और ये जो शंकराचार्य महाभाग ने बताया बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में, क्या बताया? रेत, रेत बताया ना, रेत का अर्थ है बीज, बीज का अर्थ क्या है?
जीवों के विद्या और कर्म यही बीज हैं। जीवार्था सृष्टि में बीज या रेत क्या है? जीवों के विद्या और कर्म। विद्या और कर्म, विद्या माने उपासना, विद्या माने वासना। अविद्या काम कर्म कहते हैं ना, अविद्या और काम को एक जगह रख दें तो उसका अर्थ होता है वासना। वासना का ही गुप्त नाम है ज्ञान। और कर्म, जानाति क्षति करोति अविद्या काम कर्म। तो अब पदार्थ को कौन से मोड़ दें, किस रूप में ढालें? जैसे कुलाल होता है, वो मानो मांग को देखता है कि आजकल घट की मांग ज़्यादा है, कुल्लर की, सकोरे की, श्री जगन्नाथ मंदिर में किसकी आवश्यकता होगी भोजन बनाने के लिए, भगवान के लिए प्रसाद, मटके की। इसी प्रकार से वो मिट्टी को ढाल सकता है। मिट्टी को तो वो कुल्लर, सकोरे, घट कई रूपों में ढाल सकता है, लेकिन मांग के आधार पर वो क्या करता है, वस्तु का निर्माण करता है। तो भगवान भी जगत का जो जितनी सामग्री बन गई उसके बाद जो सर्जन करते, तो मूल मैटर है, मूल पदार्थ है। तो जीवनिष्ठ जो अविद्या काम रूप वासना, उसी को ज्ञान कहते हैं। और कर्म, ज्ञान कर्म रूप रेत के द्वार से ही भगवान क्या करते हैं, पदार्थों को ढाल देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ भी क्या हुआ, पूर्वतर, पूर्वतर, पूर्वतम, सुपरलेटिव डिग्री तक ले जाएंगे, तरतम भाव को ले जाएंगे, तारतम्य घटित से ऊपर, पूर्व पूर्व ईश्वर। ईश्वर तो एक ही हो गए कल्प की दृष्टि से, पूर्व पूर्व ईश्वर ने पूर्व पूर्व वेद का दर्शन करके पूर्व वेद को व्यक्त किया। फिर उससे तो ये तो अनादि काल से है ना, अनादि परंपरा है कि ईश्वर वेद के अभिव्यंजक होते हैं और वेद जो है ईश्वर से अभिव्यक्त होते हैं। तथापि वेद जिस ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं वही ईश्वर वास्तव में ईश्वर के लक्षणों से युक्त होता है। तीन प्रकार के ईश्वर होते हैं, भावुकों की कोरी भावुकता से प्रादुर्भूत ईश्वर एक प्रकार हुआ, दूसरा अनुमानिकों के तर्कना शक्ति अनुमान से उद्भावित ईश्वर, तीसरा वेदों के तात्पर्य को समझकर वेदानुरूप उद्भासित ईश्वर। ईश्वर के कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए। कौन सा ईश्वर चाहिए भृगु जी को? अंदर से बोल रही है बाहर से? भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को जन्म दिया है वो ईश्वर क्या होगा, साहित्यिक शब्द में बोले हैं, कौन सा साहित्यिक शब्द, वाचस्पत मिश्र के द्वारा प्रयुक्त साहित्यिक शब्द, विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार वत् भावुकों की कोरी भावुकता से प्रादुर्भूत ईश्वर का स्वरूप होगा। विधुर माने रणुआ, जिसकी पत्नी दम तोड़ गई उस व्यक्ति का नाम है विधुर। परिभावित कांता, पत्नी के प्रति समासक्त है, पत्नी तो दम तोड़ चुकी लेकिन उसकी भावना करता करता भाव राज्य में उसको पत्नी का संश्लेष प्राप्त हो गया। वाचस्पति मिश्र ने साहित्यिक शब्दों में क्या कहा, विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार, लेकिन प्रामाणिक नहीं है, पत्नी तो दम तोड़ चुकी हो गया ना। ऐसे ही भावना की केवल प्रमाण विहीन, केवल भावना की प्रगल्भता से जो ईश्वर उद्भाषित होगा, भावुकों की कोरी भावुकता जो ईश्वर को देगा जन्म की, ऐसा ईश्वर है वो किसी काम का नहीं होगा, प्रामाणिक व्यक्ति उसका वर्णन नहीं करेंगे। ठीक। दूसरा कौन होता है, तार्किकों की तर्कणा शक्ति के बल पर जो ईश्वर उद्भाषित किया जाता है। एक दिन हमने कहा था यहाँ या वहाँ, वहाँ कहा था प्रवचन में, क्या कहा था, अनुमान सिद्ध जो पदार्थ होता है वो अर्थक क्रियाकारी नहीं होता ना। अखंड धूम लेखा को, धूमधारा को पर्वत में देखा दूर से, वहनी का अनुमान हो गया। अब वो दाहक प्रकाशक अग्नि हमारे लिए को है क्या? अनुमेय पदार्थ जो होता है, एक तो अत्यंद्रिय पदार्थ में अनुमान, अनुमानाभास हो सकता है,
दूसरी बात है कि मान लो अनुमिति ठीक भी हो जाए तो क्या होगा, अनुमेय जो ईश्वर होगा वो अर्थक क्रियाकारिता में समर्थ नहीं होगा, क्या उससे जगत की संरचना आदि नहीं होगी। हमको भोजन बनाना है, अनुमान सिद्ध अग्नि को लेकर थोड़े बना सकते, अग्नि स्थल तक पहुँचे हैं फिर उसका चयन करें तो अनुमेय होते हुए प्रत्यक्ष हो गया ना। अनुमेय पदार्थ की अर्थक क्रियाकारिता नहीं होती, तो दो प्रकार के ईश्वर से बचना चाहिए। किस किस से? भावुकों की कोरी भावुकता ने, आजकल एक और जोड़ दें, व्यापारियों की कोरी व्यापार विडम्बना ने। जानते हैं कि ईश्वर ईश्वर नहीं है जिसको मैं ईश्वर बना रहा हूँ, तो ये अब एक चार ईश्वर हो गए आजकल, अब कितने हो जाएंगे पता नहीं। एक मोहक जी भी ईश्वर बना दें एक पहले था भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को खड़ा किया वो किसी काम का नहीं, वो तो विधुर परिभावित कांता साक्षात्कारवत अप्रामाणिक। विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार, एक घटना घटी, एक महान भाव पड़ोसी गांव की दृष्टि से, उनकी बहन जी हमारे गांव में भी आ ही गई थी, जहाँ के वो सज्जन थे नदी में स्नान करने जा रहे थे, भेड़ चराने वाले गररियों के बच्चों को देखा, बस कोई खिलौना तो खेल रहे थे। उन्होंने कहा ये कहाँ से प्राप्त किया बच्चों का? बस यहीं है मिट्टी में पड़े मिल गए। वो ब्राह्मण देवता लोभी थे, उन्होंने सोचा ये बच्चे नहीं जानते कि सोने का इतना बड़ा टुकड़ा है, इनके लिए खिलौना है, ये क्या करोगे, चाट सकते हो खा सकते हो? ना बाबा है तो खेलने के लिए। अच्छा देव गरम 2 रुपये निकाल के दे दिया, तुम ये हमको दे दो, इससे क्या करना, बाज़ार में जाकर मिठाई खरीद लेना। उन दिनों किन दिनों, 65 वर्ष पहले, 65 वर्ष पहले की बात है, 2 रुपये बहुत होते। वो सब बच्चे खूब कूदने लगे, उनको क्या है, खाने के लिए खिलौना मिल गया। अब वो चुपके से नहा धो के, उनके गांव में सुनार नहीं था, तो अपने बहन के यहाँ आ गए, और दैव योग से बहन का जो घर था, बहन की ससुराल, उसके ठीक पीछे सुनार का घर था। तो बहन जी को एकांत में कहा कि ये देखो इतना ऐसे ऐसे ठग के लाया हूँ बच्चों से, इसके जो जेवर बनेंगे आधे तुम्हारी भाभी के लिए आधे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पड़ोस में तो है ही क्या सुनार? हाँ हाँ भैया, तो पहले सुनार के पास जाओ। सुनार के पास गए, हमने देखा है उस इतने बड़े संदूक को रखा था सुनार। आइए पंडित जी, क्या? अरे तुम्हारे पड़ोसी के मैं ऐसा हूँ। अच्छा आइए पंडित जी, पानी लागे, आइए बैठिए। देखो सुनार हो, बेईमानी मत करना, मैं सोना लाया हूँ, उसके जेवर बने ठीक ठाक, लेकिन मेरे सामने ही जेवर बने तो अच्छा है, नहीं तो बेईमानी ना हो जाए। पंडित जी आप इस संदूक पे बैठ जाइए, कुर्सी तो उन दिनों होती नहीं थी प्राय, मैं पहले इसकी परीक्षा करूँगा ना। 3 प्रकार से होते हैं, अंत में अंतिम परीक्षा क्या है, आग में। आग में झोंकते हो तो राख हो गया सोने का इतना बड़ा, 1 किलो का सोना। पंडित जी ये नकली है, कोई चीज़ ऐसी है, ये तो राख लाख है, चमकीले ये क्या है, ये तो देखिए आपके सामने गल गए। पंडित जी वहाँ बेहोश हो गए, मनोराज्य पर पानी फिर गया, तो वो दौड़ा गया, ऐसे ऐसे वो आपके औलाद के लाए गए और मरते मरते बचे। तो क्या हुआ, अग्नि परीक्षा में वो सुवर्ण देवी जल गई, असफल हो गई, पिघल के लाख हो गई, तो जैसे भावुक के द्वारा कल्पित सोने की दुर्दशा हो गई, तो भावुक परिभावित केवल भावुकता के वशीभूत होकर जो ईश्वर उद्भाषित किया गया हमारे काम के नहीं। अब व्यापारियों ने जो ईश्वर खड़ा कर दिया है, अंदर से जानते हैं ईश्वर से कुछ नहीं, इसके नाम पर व्यापार सत्ता है, वो भी किसी काम के नहीं। वेदादि शास्त्र विहीन केवल तर्कना शक्ति के बल पर ईश्वर को उद्भाषित करेंगे, वो भी नहीं। सार क्या हुआ, पूर्व 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 चलते चलिए तो अनादिकाल से ईश्वर और वेद में कार्य कारण भाव है।
एक ही पक्ष को लेंगे तो ईश्वर के द्वारा वेद की अभिव्यक्ति होती है, और दूसरा पक्ष लेंगे तो वेद के द्वारा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान होता है। एक दूसरे के कारण हैं, लेकिन कारण होने पर भी मैंने बताया वेद ईश्वर का लय स्थान होंगे या ईश्वर वेदों का लय स्थान होगा। तो वेद चिद रूप होंगे या शब्द राशि होंगे, शब्द राशि का पर्यवसान तो ज्ञान में होगा, तो वेद को कहाँ रखेंगे? कल हमने बताया प्रकृति कोटि का वेद ही मानेंगे ना, उपादान प्रकृति। तो परमात्मा ने क्या किया? भू, ये वैदिक शब्द है भू, परमात्मा ने भू इस वैदिक शब्द का स्मरण किया, पृथ्वी बन गई। वैदिक शब्दों में वो क्षमता है कि उसके आधार पर सृष्टि की संरचना होती है, ये सब आगे कहेंगे अभी। एवं पूर्वतरानुसारेण पूर्वस्मिन् पूर्वतमानुसारेण पूर्व पूर्वतर पूर्वतम सुपर्लिपिकृत पूर्वतमानुसारेण च पूर्वतर इति अनादिरयम् शास्त्र शास्त्रेश्वर्यो कार्यकारण भाव। इस प्रकार शास्त्र ईश्वर में जो कार्यकारण भाव है क्या हुआ? अनादि। अनादि माने कब प्रारंभ हुआ कह नहीं सकते, अनादि को न समझने के कारण बहुत विभ्रम होता है। एक नैमिषारण्य में साधक थे, शास्त्री थे, आयुर्वेद के भी अच्छे विद्वान थे, चरित्र बहुत अच्छा था, इसलिए लड़कियों के हाई स्कूल या इंटर कॉलेज में पहले अध्यापक भी रहे थे, बाद में नैमिष वालों के संपर्क में आकर वानप्रस्थ सरीखा जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मेरे पास आके बैठ गए, उन दिनों मेरी आयु रही होगी 22 साल मान लो, अधिक से अधिक। सुनो, हमसे कहा, जो भी नाम था उस समय ध्रुव चैतन्य, ध्रुव जी आप सुनो, एक समस्या का समाधान तुम दे सकते हो तो दो, मैं तुम तो वेदांती हो, ऐसा मेरी उन दिनों भी प्रसिद्धि वेदांती के रूप में थी। हमने कहा कहिए, देखो जब जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है तो पहले भी था, जब शुद्ध बुद्ध मुक्त था तब फिर जीवत्व के चपेट में आ गया, अब श्रवण मनन ध्यासन करके जीव मुक्त भी हो जाए या मैं मुक्त हो जाऊँ, फिर कौन गारंटी लेगा कि फिर बद्ध नहीं होऊंगा? यही भरत जी, यही शंका लेके भरत जी का शरीर छूटा। तो मैंने कहा पंडित जी, इसका उत्तर तो मैं दे दूँ, लेकिन आप तो मुझको बच्चा मानते हैं, ठीक है दे दो सुन लूँगा, मैं तो विद्वान हूँ ना। तो हमने पहले कहा गुरु जी से पूछिए ना, तुम बच्चे हो, गुरु जी आयु में बड़े हैं, मैंने दीक्षा ले ली, मैं तो उनको 4 साल नहीं 10 साल पढ़ा सकता देखो चेले ऐसे होते हैं, चेलों की भक्ति पर कोई जिसके शब्द अनन्य भक्त है बस समझ आए चार खाने चित्त हो जाए कहना मत किसी को, वो भी कानकुज मैं भी कानकुज, एक ही जगह के हम लोग हैं, तो हमने दीक्षा ले ली। अब गुरु जी तो तुम जानते हो ना, संकेत किया कि तुमसे भी तो कम वो पढ़े लिखे, हम तो तुमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, गुरु जी से नहीं पूछना, गुप्त रखना, नहीं तो बगंडर मच जाएगा। तो हमने कहा मैं बता दूँ, हाँ हमने कहा मान लीजिए प्यास लगी है मुझको, मुझे मालूम है कि वैद्य और डॉक्टर को मौत का बहुत भय लगता है, उनकी कमजोरी मुझे मालूम है, मैं तिब्बतिया कॉलेज दिल्ली में रहा हूँ वैद्य डॉक्टर को मौत का भय बहुत लगता है, मौत के बीच में रहते हैं ना। हमने कहा प्यास लगी, हाँ ठीक है पानी पिया, मान के पानी पीते हैं ना कि फिर प्यास लगेगी, जठराग्नि क्या करेगी, जठराग्नि पिए हुए पानी को पचा कर फिर प्यास लगा देगी, फिर पानी पिएंगे। कदाचित आप ऐसे ही मानते हैं, पहले जीव जो था मुक्त था, अब अगर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया फिर उसको अज्ञान नहीं होगा, कौन गारंटी लेता है?
हमने कहा ऐसा जानते हुए कि पानी पीने पर प्यास बुझ जाएगी, फिर आज से आप संदीपन जी पानी पीना छोड़ दीजिए, प्यासे मरिए, क्या कहते हो? बात तो तुम बच्चे की तरह नहीं करते, बूढ़े की तरह। हमने कहा कदाचित आपकी बात मान लें तो भी क्या, अगर कोई इतना चतुर हो, पहले प्यास लगने पर पानी पिया, फिर प्यास लग गई, आज से प्रतिज्ञा करता हूँ प्यासे मर जाऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा, तो बुद्धिमान होगा या बुद्धू? और तुम तो गाली दे रहे हो प्रकारांतर से। हमने कहा अगर ऐसा ही है कि ज्ञान के बाद फिर बंधन आ जाएगा तो भी तो ज्ञान की उपयोगिता हुई। आगे आप सुनिए, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। एक बार पंडित जी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, फिर अगर आपको अज्ञान प्राप्त हो, मोह प्राप्त हो, तो मुझे उलाहना दीजिएगा, भगवान से भी ज़्यादा बुद्धिमान आप हैं क्या? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, अज्ञान अनादि तो है, अनंत नहीं है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, बात तो तुम सब ठीक करते हो, लेकिन गुरु तो तुम नहीं हो ना, और जो गुरु हैं उनसे मुझे पूछना नहीं है, तुमने करेगे क्या? यह जन्म तो इसी संशय को लेकर मरने में जाएगा, फिर आगे जो होगा देखो। इसीलिए कहा कि क्या है जी, कारण कार्य कार्य कारण भाव अनादिरियम शास्त्रेश्वर्यो कार्य कारण भाव, ईश्वर और शास्त्र में जो कार्य कारण भाव है अनादि है, अनादि को लेकर फिर दोष की प्राप्ति नहीं होती। क्या बीज का कारण वृक्ष, वृक्ष का कारण बीज। छत्तीसगढ़ में एक किसी बच्चे को किसी ने सिखा दिया, शंकराचार्य से पूछो, हम उत्तर प्रदेश में बहुत रहे, वहाँ किसी को मूर्ख बनाना होता था ना, कबीर जी के दोहे आदि का अर्थ पूछ लेते थे, उनके विचित्र, हम नहीं कहते, पुराने लोग कहते थे, हम तो कबीरदास जी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, कबीरदास की उल्टी वाणी, पहले खानी फिर नहानी पहले खानी पहले खा लो फिर नहाओ, कबीरदास की उल्टी वाणी, पहले खानी फिर नहानी, मैंने नहीं, कबीरदास जी के उपहास करने वाले ऐसा कहते थे। उत्तर प्रदेश में विशेषकर अहिर आदि जो थे वो किसी को मूर्ख बनाने के लिए कबीरदास जी की कोई गुत्थी रख देते थे, उसका उत्तर ना दे तो मूर्ख बना देते थे। उत्तर प्रदेश की ये बात ऐसे जगह जगह की है, यहाँ समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक लड़की ने पूछा, गुरु जी मुर्गी पहले या अंडा? मुर्गी पहले या मुर्गी का अंडा? अब मैं क्या उत्तर देता बताइए? हमने कहा दोनों अनाज, वो समझ में आना नहीं, गुरुजी का उत्तर नहीं आया, लो मूर्ख बना के चली गई, मुर्गी पहले या मुर्गी का अंडा, क्या उत्तर दे? तो हमने कहा पहले तू एक प्रश्न का उत्तर दे दे, बीज पहले या वृक्ष? मैं तो बच्चे हूँ, मैं क्या उत्तर दूँ? आपको उत्तर दो, आप शंकराचार्य हो ना, मुर्गी पहले या मुर्गी का अंडा? हमने कहा अंडा मान लो, ऐसे होगा उससे पहले मुर्गी। तो कार्य कारण भाव का निर्धारण क्या होता है? दो पदार्थों में कार्य कारण भाव अनादि हो, फिर भी जैसे ज्योमेट्री आदि में, एलजेब्रा आदि में सपोज करके, कल्पना करके, एक्स वाई जेड कुछ मान करके, उसका नाम अध्यारोप है ना, असली उत्तर तक पहुंच जाते हैं क्या? तो एक विधा है शास्त्र में कि अनादि कह के छोड़ो मत, जिसमें सूक्ष्मता हो उसको कारण मान लो, वृक्ष की अपेक्षा बीज में सूक्ष्मता है, उससे वृक्ष की अभिव्यक्ति भी हो जाती है, तो वृक्ष की अपेक्षा बीज को मान लो। क्या बीज तो अर्थ ही हुआ ना, जिसमें सूक्ष्मता है उसको फिर अगर कोई प्रश्न कर दे, चल रहा है ना, फिर अगर कोई प्रश्न कर दे तो ठीक है, वृक्ष के बीज में बीज, बीज के मूल में वृक्ष, तो अनादि कह के रह जाइए, क्या अनादिकाल से अब दोष नहीं होगा। ऐसे कहते हैं कार्य कारण भाव जो है शास्त्र ईश्वर में अनादिकाल से। तत्रेश्वर से न शास्त्रार्थ ज्ञान पूर्वा शास्त्र क्रिया ये ना से कपिलादिवत स्वातंत्र्यम भवेत। अब कहते हैं वो जो ईश्वर हैं, यहाँ जो बाहर से कमी प्रतीत होती है ना, कल बताया था विस्तार पूर्वक, वो गुण है, कहीं से बाहर, कहीं बाहर से जो त्रुटि प्रतीत हो दार्शनिक विधा से, उसको क्या कह सकते हैं हम? गुण है।
बता ही नहीं सके शंकराचार्य हो करके भी कि मुर्गी पहले या मुर्गी का अंडा, तो शंकराचार्य के इसमें क्या गड़बड़ी क्या हुई भी? दोनों अनादि हैं तो अनादि को लेकर कौन पहले कौन बाद में क्या क्या? तो वो तो स्वरूप भूत तत्व स्वरूप वैभव दोनों का ऐसा है, इसमें हम दोनों को अनादि कह सकते हैं और है अनादि जब हो गए दोन तो कौन कार्य कौन कारण, तो कार्य कारण भाव अनादि है क्या, इससे उसकी सिद्धि उससे इसकी सिद्धि, और दोनों स्वतंत्र भी क्या क्या, दोनों निरपेक्ष होते हुए भी क्या हो गए अनादि, तो तभी होंगे ना अनादि दो पदार्थों में भी तो किसी स्तर पर कार्य कारण भाव हो ही सकता है, प्रकृति भगवान के कारण या भगवान प्रकृति के कारण, प्रकृति भगवान का कारण क्यों है क्योंकि विशुद्ध सत्व के द्वार से वो ईश्वर के रूप में भगवान को प्रकट कर लेती है, और भगवान प्रकृति के कारण क्यों है क्योंकि प्रकृति के लय स्थान उत्पत्ति स्थान भगवान है, लेकिन भगवान को ब्रह्म को ईश्वर का बनाने वाली कौन है प्रकृति, तो एक प्रकार से भगवान हो गए प्रकृति के उपादान, प्रकृति भगवान के उपादान, ऐसा होने पर भी लयस्थान जो है उसी को मुख्य माना जाता है, जो चित तत्व उसी को मुख्य माना जाता है यह कहा। अब कहते हैं वस्तु के अर्थ को किसी कोई शास्त्र है किसी कोई वचन है उसके अर्थ को समझ करके व्यक्ति किसी ने ग्रंथ की रचना की, शब्द और शब्दार्थ दोनों का जब ज्ञान हो गया तब ग्रंथ की रचना कर दी, तो उस ग्रंथ की रचना में स्वतंत्र हुआ या नहीं, व्यक्ति स्वतंत्र है। यहाँ जो स्वतंत्रता कपिल आदि में है वो परतंत्रता का द्योतक है या नहीं, ईश्वर में जो परतंत्रता है, ईश्वर किस विद्यालय में जाकर स्वाध्यायोध्येतव्य अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए, ईश्वर ने किसी विद्यालय में जाकर वेद पढ़ा है क्या, और गुरुमुख से वेदों का अर्थ जानकर के अवतार वाले ईश्वर तो लीला पूर्वक वेद पढ़ने जाते वो अलग है, यहाँ जो वो जो परमात्मा जिनका वर्णन चल रहा है उन्होंने क्या गुरुमुख से वेद पढ़ा है और गुरुमुख से वेदार्थ जाना है, नहीं ना। लेकिन कपिल इत्यादि जो हैं कपिल ही सबसे पहले सांख्य शास्त्र के उद्भाषक थे तो नहीं कह सकते हैं क्या, कपिल से पहले यह ज्ञान था या नहीं, या कपिल ही जन्मदाता हुए, जन्मदाता हुए अगर तो उत्पटांग तो होगा ही वो ज्ञान पहले से था तो उसका ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसको उन्होंने अपने शब्दों में दृष्टांत आदि से चमका कर ग्रंथ की रचना की, तो सांख्य शास्त्र की संरचना में कपिल जी का स्वातंत्र हुआ या नहीं, अर्थम बुद्ध्वा अर्थ को जानकर उन्होंने स्मृति की रचना की, भगवान ने क्या किया वेदाध्ययन करके अर्थक ज्ञान प्राप्त करके वेद का उपदेश दिया या नहीं, भगवान को वेदाध्ययन की आवश्यकता नहीं वेदार्थ के ज्ञान किए आवश्यकता नहीं, फिर उसके आधार पर किसी स्मृति जैसे वेदों की संरचना की आवश्यकता नहीं, पूर्वकल्प उस पूर्वकल्प में उससे पूर्वकल्प भगवान ने पूर्व विद्यमान जो वेद महाप्रलय के पूर्व की पूर्व दशा में जो विद्यमान अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि रूप वेद उसका दर्शन किया भगवान ने, दृष्टा हो गए और उसके अर्थ को भी जान लिया, लेकिन यथावत उसका क्या किया उपदेश दे दिया, तो भगवान वेद राशि के रचयिता न होकर उपदेष्टा मात्र हुए इस ढंग से। महाप्रलय से पहले जो सृष्टि थी वही ना, प्रलय नहीं महाप्रलय, महाप्रलय के पहले भी तो सृष्टि थी नहीं, पहली बार सृष्टि उत्पन्न होती है, भले ही हमारी जानकारी में गणित की सीमा में कितने अरब वर्ष पहले पहली सृष्टि ना हो, लेकिन पहली बार होती है, ये कौन कहते हैं, वल्लभाचार्य जी समझ गए, तरह तरह के मत हैं क्यों,
अविद्या को अगर अनादि मान लेंगे, लीला पूर्वक जीव भाव की अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे, जीव अनादि काल से अविद्याग्रस्त है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तत्वज्ञान से ही मोक्ष मानना पड़ेगा। जीव में जीवत्व जो है अनादि काल से है, तब वो क्या मानते हैं? कभी न कभी चाहे हमारी जानकारी में वो काल की अवधि न अरब कल्प पहले से ही, कभी न कभी सबसे पहले सृष्टि भगवान ने आत्मार्था ही बनाई, समझ गए? तो फिर अपने आप को जीव बना दिया, अपने आप को जगत बना दिया, क्या है? तब से जीव जो है जीव ही रह गया, जगत जगत ही रह गया। ऐसा मानने पर ईश्वर में वैषम्य निर्घृण्य दोष की प्राप्ति होती है। संस्कृत में प्रायः घृणा शब्द दया के अर्थ में आता है। अब देखो शब्द का भी, ये मुझसे घृणा करते हैं, ये गुण है या दोष? आजकल दोष है, पहले घृणा माने दया। शब्द का भी क्या क्या उटपटांग अर्थ हो जाते। वैषम्य निर्घृण्य दोष ईश्वर में नहीं है, भगवान ने ब्रह्मसूत्र में लिखा, वेदव्यास जी ने वाद रहना चाहिए, भगवान में विषमता नहीं है, निर्दयता नहीं। किसी को जड़ बना दिया, किसी को जीव बना दिया लीला पूर्वक, भगवान ही लीला पूर्वक जड़ हो गए और जीव हो गए, क्या ऐसा श्री वल्लभाचार्य इत्यादि मानते हैं? तो अनादि काल से यह परंपरा चल रही है, नहीं मानते। कभी न कभी शुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन परमात्मा ही लीला पूर्वक जीव हो गए, समझ गए? क्या आत्मार्था सृष्टि? क्या अब क्यों नहीं हो गए? वैकुंठ की कल्पना कीजिए, वैकुंठ की कल्पना कीजिए, जहाँ सब के सब अनादि सिद्ध हैं, ऐसा त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। आजकल त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद का अध्ययन न होने के कारण आजकल के वेदांती सृष्टि का 1/4 रहस्य भी नहीं जान पाते। दूसरी बात यह है कि आत्मार्था सृष्टि के बारे में आजकल के वेदांतियों कुछ अता पता नहीं, इसलिए हमने गोविंदानंद डॉक्टर को कहा तो उनको बहुत लाभ हुआ। हमने कहा कम से कम गीता प्रेस ने जो उपनिषद अंक प्रकाशित किया है उसमें त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद का हिंदी अनुवाद है, उसको पढ़ लीजिए तो मालूम पड़ेगा कि आत्मार्था सृष्टि का क्या महत्व है। संभवाम्य आत्ममाया, ये तो स्पष्ट ही आत्मार्था सृष्टि का वर्णन है, भगवान ने स्वयं को व्यक्त किया गीता के अनुसार। लेकिन एक वैकुंठ की कल्पना कीजिए तो किसी जीव के प्रारब्ध के फलस्वरूप वैकुंठ की रचना नहीं होती, स्वर्ग की रचना हो सकती है, ब्रह्मलोक तक की रचना हो सकती है। क्योंकि एक विचित्र बात है, व्यावहारिक दृष्टि से विचार नौबत गया, व्यावहारिक आज तो 3 बजे से ही बैठे हैं वहाँ, और आता ना पाठ सुंदरकांड, व्यावहारिक दृष्टि से विचार कीजिए। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा बोलो, उनका स्वास्थ्य कुछ खराब था काशी में, श्री कृष्णानंद जी महाराज भी बोले, हम भी बोले, जगन्नाथानंद जी भी, तीनों को 15-15 मिनट समय संभव था, महाराज ने दिया या आधा घंटे। तो हमने कहा कि भगवान अवतार लेने की भावना व्यक्त करते हैं, मुस्कुराती हुई कोई देवी प्रकट हो जाती है, उसका नाम है माया। अरे मैं जगत की रचना नहीं अरी करने जा रहा हूँ, मैं स्वयं अवतार लेने जा रहा हूँ। हाँ महाराज, आप तो स्वतंत्र हैं, क्या फिर मुस्कुराती क्यों हो? आप ही के द्वारा निर्धारित युगानुकूल आपका अवतार होना चाहिए। नृसिंहावतार आपको लेना है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है, नृसिंहावतार जब तक आप नहीं लेंगे तब तक हिरण्यकश्यप का
कचूमर नहीं निकलेगा। तो उत्तर प्रदेश में कहावत है, खीर में हींग के छोंक डाल दिया। भगवान ने सोचा मैं ही अविद्या काम कर्म से विनिर्मुक्त शुद्ध बुद्ध मैं ही बनूंगा, लेकिन इतना भयंकर रूप होगा मेरा कि लक्ष्मी भी मेरे सामने नहीं आएगी, वो भी डर जाएगी। भगवान संतोष होगा भगवान को? नहीं होगा। अच्छा मान लो हमने फिर कहा कि रामावतार भगवान लेना चाहते थे श्री रामभद्र के रूप में, फिर आ गई माया प्रकट हो गई, इस बार क्या रोड़ा अटकाएगी ये तो बोल। रोरा मैं तो आपकी दासी हूँ, फिर भी मुस्कुरा रही है, सब कुछ ठीक है, नृसिंह जैसा भयंकर रूप नहीं, बड़ा सौम्य बहुत भव्य, लेकिन अरे लेकिन क्या, आपके द्वारा निर्धारित मर्यादा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेना है। भगवान को थोड़ा कष्ट होता है, मर्यादा में बंध के रहना है ना क्या, तो फिर तो मैं क्या हो गया, ईश्वर तो अनंत है। फिर सोचा कुछ ना कुछ दाल में, इसने दाल में नहीं है ना, वो गुजरात में तो दाल में भी मिश्री डाल देते, मीठे सब चीज़ मीठा, सब चीज़ मीठा माने दाल में भी मीठे वो क्या बुरा बुरा डाल देते। ये तो फिर खीर में छोंक डालने आ गई हींग की। फिर भगवान कृष्णा बता लेना चाहते हैं, माया प्रकट मुस्कुराती, जय हो जय हो, इस बार लीला पुरुषोत्तम महाराज बहुत आशीर्वाद दिए। हाँ ठीक कहा, साथ सम्मत कहा लेकिन ठीक कहा, मनोरंजन भी हो गया। तो क्या अर्थ हुआ, आत्मार्था सृष्टि जो होगी, धाम मान लीजिए यह धाम है कमरा, आत्मार्था सृष्टि में जितने परिकर होंगे वो सब कायव्यू होंगे या नहीं, जितने वृक्ष होंगे, जो नदी जलाशय, क्या प्राकृतिक उसमें भेद होना है या वास्तविक। उदाहरण के लिए आत्मार्था सृष्टि जीव की दृष्टि से स्वप्न है या नहीं, उसमें जो जल स्थल नभ भूत प्रेत पिशाच मनुष्य दानव दैत्य क्या सुसुंदर सुसुंदरी चमेली चंपा उर्वशी उल्लू इन सब का भेद है, वो प्राकृतिक है या नहीं। ऐसे ही भगवान ने, श्री वल्लभाचार्य कहेंगे, ऐसे भगवान ने कभी न कभी प्रथम सृष्टि बनाई तो आत्मार्था सृष्टि बनाई तो उन्होंने अपने को जीव बना दिया। जब जीव बन गया एक बार तो जीव और जीव होते ही रह गया, होते रह गया, होते रह गया। ऐसे उनकी यहाँ क्या कहते, अनादि है भाई, अनादि हो गया ना। तो आप कहते हैं कि भगवान ने किसी विद्यालय में जाकर वेदाध्ययन किया हो, उसके अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया हो, फिर क्या है, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया हो, फिर धर्मानुष्ठान किया हो, फिर उनको सिद्धि मिली हो, उस सिद्धि के बल पर वो कपिल जी की तरह उन्होंने वेदों की रचना की हो, ऐसा तो नहीं है। तो वेदों की रचना में भगवान का जो स्वातंत्र नहीं है वो दूषण है या भूषण, भूषण। और कपिल जी आदि का जो स्वातंत्र है स्मृति की रचना में, या उपन्यास कोई लिखता है तो स्वातंत्र है वहाँ पर, वो स्वातंत्र दूषण है या भूषण, वहाँ अप्रामाणिकता हो सकती है, यहाँ आप अप्रामाणिकता का प्रश्न ही नहीं। जहाँ ईश्वर की भी दाल नहीं गलती परिवर्तन में, वहाँ दूसरे की दाल क्या गलेगी भाई। तो बाहर से लगता है ईश्वर परतंत्र हो गए, लेकिन वो पारतंत्र जो है, हमने कहा ना पारतंत्र का अर्थ होता है कि ईश्वर में जब परतंत्रता कहीं कहीं दिखाई पड़ती है तो स्वरूप महात्म्य के बल पर जो अनादि वस्तु की रचना भगवान भी नहीं कर सकते, या हम कह सकते अबद्ध आत्मा अबद्ध है, भगवान भी आत्मा को नहीं मार सकते, बात तो ठीक ही है। तो वहाँ पर भगवान की असमर्थता है या उस तत्व का स्वरूप ही ऐसा है, स्वरूप को लेकर जहाँ असमर्थता प्रकट होती है वहाँ दोष न होकर गुण है, यह कर यही कहा। तत्र ईश्वरस्य न शास्त्रार्थ ज्ञान पूर्वा शास्त्र क्रिया ये नास्य कपिलादिवत स्वातंत्र भवेत। ईश्वर जो हैं शास्त्र ज्ञान पूर्वक शास्त्र क्रिया का निर्वर्तन करते हैं, शास्त्र की रचना करते हैं कपिलादिवत,
उनमें स्वातंत्र नहीं है, वो तो यथा पूर्व ऐसे ही। फिर कल जगत के बारे में बताया, वो आया ना रेत पर में बोल रहा था, रेत रेत उत्पन्न किया हिरण्यगर्भ। रेत का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान और कर्म। जीवनिष्ठ जो है पूर्व कल्पीय वासना और कर्म को देखकर भगवान ने क्या किया, नाम रूपात्मक जगत की संरचना की। आखिर हम ढालें कैसे, स्वयं को ही जीवार्था सृष्टि के रूप में हम ढालेंगे तो इसमें निमित्त कौन होगा? जीवनिष्ठ अभुक्त जो वासना और कर्म हैं उनको द्वार बनाकर वही तो रेत होगा। इसीलिए वो संवत्सर को उत्पन्न किया। अब कहते हैं शास्त्रार्थक ज्ञानम चास्य स्वयं आविर्भवत भवदपि न शास्त्र कारणतानु कारणता मुपैति। बहुत बढ़िया। तो फिर कोई कह सकता है कि तब तो ईश्वर को ही वेद का ज्ञान नहीं है, वेदार्थ का। ईश्वर केवल आनपूर्वी घटित शब्द राशि को जान लेते हैं, ईश्वर को भी तो वेदार्थ का परिज्ञान नहीं है। एक वैदिक को अगर अनंतवा का अर्थ नहीं आता उच्चारण कर सकता है? कहते ना ना सुनो तो अंतर है इसमें। तो ईश्वर क्या शास्त्र माने वेद, वेदार्थ ज्ञान विहीन है। शास्त्रार्थ ज्ञानम च अस्य स्वयं आविर्भवत अपि, वेदार्थ का ज्ञान भी महासर के प्रारंभ में ईश्वर में स्वतः आविर्भूत होता है। तथापि उस ज्ञान के बल पर शास्त्र की रचना वेद की रचना भगवान करते हैं ऐसा नहीं। क्या अंतर हो गया? द्वयोरपि अपर्यायेण आविर्भावात्, दोनों का अपर्याय से, पर्याय से अपर्याय से, अपर्याय माने युगपत, युगपत आविर्भाव होता है किसमें? भगवान। वेदाध्ययन किया, फिर वेदाध्ययन करके वेदार्थ का परिज्ञान प्राप्त किया नहीं, जिस क्षण अनपूर्वी घटित शब्द राशि का ज्ञान हुआ उसी क्षण उसका अर्थ भी प्रकाशित हो गया। अपर्याय का अर्थ यहाँ पर हुआ युगपत, एक कालावच्छेदन। वेदार्थ ज्ञान पूर्वक ही वेद का दर्शन होता है, अभंग अनपूर्वी घटित शब्द राशि रूप वेद का दर्शन ज्ञान बोध वेदार्थ ज्ञान पूर्वक ही होता। पर्याय माने युगपत, एक कालावच्छेदन। क्या ये हुआ? पहले तो शास्त्र हो, फिर उसका ज्ञान हो, फिर उस ज्ञान के बल पर शास्त्र की रचना हो, यह सब कुछ नहीं। आनपूर्वी अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि रूप वेद और वेदार्थ का एक कालावच्छेदन ज्ञान भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान वेद के रचयिता नहीं है, केवल उपदेष्टा हैं। शास्त्रम च स्वतो बोधकतया पुरुष स्वातंत्र्या भावेन निरस्त समस्त दोषाशंकम सदनपेक्षम, ये सतनपेक्षम साक्षात् देव स्वार्थे प्रमाणम। शास्त्र माने यहाँ सब जगह शास्त्र माने वेद। स्वतो बोधकतया पुरुष स्वातंत्र्या भावेन, पुरुष स्वातंत्र्या भावेन वेद जो हैं भगवान के हृदय में भी अपने अर्थ सहित स्वतः उद्भासित होते हैं। तो पुरुष तंत्र माने ईश्वर तंत्र भी वेद नहीं होते। अभावेन निरस्त समस्त दोषाशंकम सत अनपेक्षम समा साक्षात् देव स्वार्थे प्रमाणम। तो जीवनिष्ठ जो है भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिस्सादि सकल दोषों से विनिर्मुक्त कौन है? वेद। जीवनिष्ठ भ्रम अन्यमान्य बुद्धि प्रमाद होता ही है, मोह का कारण जो है वो प्रमाद। स्वाभाविक ब्रह्म भाव से प्रच्युति का नाम प्रमाद या मोटी भाषा में मोह।
शरण सुजाति में तो मोह का मूल माना गया है प्रमाद। कर्णापाटव कर्णों में कान आदि में अपटुता विप्रलिप्सा माने छल। तो वेद ये सब जो हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, विशेषकर आजकल कंप्यूटर के अक्षर दबाओ उंगली कम जोर से तो दंत हो जाए, जोर से दबाओ सालभ्य हो जाए। अच्छा, उंगली दबाने से एक ही दो बार आएगा तो उसके स्थान पर यह हो जाए। अच्छा, नींद आदि हो, प्रमाद आदि हो, मन में कोई भाव है, कुछ हो जाए क्या, तो भगवान में न भ्रम है, न प्रमाद है, न करना पाटव है, न विप्रलिप्सा है, छल भी नहीं है वहाँ मूल तत्व में। तथापि भगवान वेद के रचयिता नहीं हैं, माने इतने अंशों में वेद का जो अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि जो वेद हैं उनके दर्शन में भी तो भ्रम इत्यादि क्या कर सकते हैं, रोड़ा अटका सकते हैं या नहीं। रचना तो भगवान क्या करते हैं, भगवान में भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्रलिप्सादि जीवनिष्ठ हे गुणगण बिल्कुल नहीं है। स्वचित दिव्यातिक दिव्य गुणगण समलंकृत भगवान हैं, श्री रामानुजाचार्य के शब्दों में बोलेंगे। तथापि कोई कह सकता है रचना नहीं करते भगवान, तो दर्शन में भी तो भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्रलिप्सा का योग हो सकता है क्या। अरे राज्यों में सर्प हुआ दर्शन, दर्शन क्या भ्रमात्मक हो गया या नहीं, हमने थोड़े रज्जु को में सर्प बनाया लेकिन भ्रमात्मक तो हो गया क्या किसी वस्तु के। अच्छा, कोई था, अब हम तो ब्याह कॉलेज के छत पे घूम रहे थे जहाँ रहते थे, बाबाओं के प्रति आस्था स्वाभाविक थी, उन दिनों थोड़ा फैशन कम था, कोई महिला आ रही थी, अब वो जो वो भगवा रंग के सब वो सलवार उलवार पहने, हमको क्या हुआ मालूम है, और नीम के पेड़ थे बीच में रोड, हमको हुआ कि कोई महात्मा जी का साई वस्त्र पहने हुए जा रहे हैं, उन दिनों घुटने आदि में दर्द नहीं था, हम वो तीन मंजिल ऊपर से दौड़ते 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 वो इतनी दूर आई होगी, वहाँ जाके फिर देखा कि तो कोई महिला है, ठिठक गया, वो भी डर गई बेचारी। फिर उसने वो हो रही होगी 35-40 की, उसने मुस्कुरा के कहा कि बच्चे तुम दौड़े या फिर भागे, तुम्हारी नीयत तो गलत नहीं दिखाई पड़ती। हमने कहा कुछ हो ही गया, क्या हो गया, हमने समझा कि आप कोई बाबा हैं, मैं बाबा समझ के भगा निकल आई आप सलवार वाली, तो मैं जो प्रणाम करने आ रहा था वो भाव कुंठी। अच्छा अच्छा ये बात है, तो क्या हुआ या नहीं। तो मान लो भगवान जो है आन पूर्वी घटित शब्द राशि का दर्शन करने में, श्रवण करने में, जो भी हो उनके, एक तो पहली बात है आँख कहाँ है कि दर्शन करेंगे, आँख से तो शब्द राशि दर्शन नहीं कर सकते, कौन से आँख से करेंगे शब्द राशि, यहाँ तो कान से श्रवण भी नहीं कर सकते, गुरु तो बैठा नहीं सुनावेगा क्या, क्या गुरु के मुख भी वहाँ तो कुछ नहीं है। पहली बात है कि भगवान जो हैं किस कारण के द्वारा अभंग आन पूर्वी घटित वेद राशि का दर्शन करेंगे ये तो बताइए, मायोपाधिक होने पर न, माया के अलावा कोई कारण है माया वृत्ति को लेकर। एक तो भगवान के वहाँ तो कान वान कुछ है ही नहीं, भगवान के श्रवण भी नहीं करते। पहली बात है कि जो जिस भगवान के निश्वसित वेद हैं या भगवान ने अभंग आन पूर्वी घटित वेद राशि का दर्शन किया, वो दर्शन में करण क्या होगा, माया। और कल की बात याद रखें तो वेद क्या होंगे, माया वृत्ति से अभंग आन पूर्वी घटित वेद राशि का दर्शन करेंगे तो भगवान अपने से भिन्न वेद राशि का दर्शन करेंगे या माया उनके पास जो करण है दर्शन के लिए उससे भिन्न वेद राशि का ग्रहण करेंगे, या भगवान स्वयं को ही वेद मान लेंगे या माया को ही वेद मान लेंगे, खोदने चलो तो ये सब क्या विकट विकट प्रश्न आ जाएंगे क्या। अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि उस समय महाप्रलय के बाद अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि क्या होंगे, जो
किसी की वाणी से निकले हुए होंगे क्या? उस समय तो कोई था ही नहीं वक्ता क्या? अभंग गणानांत्वा गणपति गंग हवा महे, अब हमने अभंग आन पूर्वी घटित इस मंत्र का श्रवण कर लिया ना, भगवान को उच्चारण कर रहा था कि सुनेंगे वेद, कान भी थे भगवान के। पहली बात क्या है जी, अपनी उपाधि माया में ही सन्निहित ज्ञान चक्षु के द्वारा भगवान अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का दर्शन करेंगे। पश्यंती वाणी का क्या अर्थ होता है? पश्यंती माने देखने के अर्थ में है या सुनने के अर्थ में? लो वाणी से देखते हैं, कोई नाम कैसा विचित्र रखा है क्या? नाम कैसा विचित्र है, पश्यंती वाणी, वाणी देखी जाती है या सुनी जाती है? अब यही, अब देखिए भगवान ने आनपूर्वी अभंग आनपूर्वी घटित वेद राशि का दर्शन किया या श्रवण किया, कौन बोलने वाला था वहाँ वैदिक? संभवतः वो रहे होंगे गोपाल जी। तो हमारे जीवन अगर इस राशि को जानना हो तो हमारे जीवन में पश्यंती वाणी है या नहीं? पश्यंती वाणी का अर्थ क्या हुआ जी, देखना या सुनना? योगी जो है वो आँख से देखते हैं या आँख से देखते हैं क्या? योगी जो है वो शब्द से देखते हैं, जिस शब्द के द्वारा देखा जाता है उस शब्द का नाम है पश्यंती वाणी। कहाँ लिखा? उपनिषद में। भगवान ने अपनी उपाधि जो अपने में सन्निहित किया, भगवान सबसे पहले अपने से व्यक्त करेंगे किसको? त्रिगुणमयी माया को। अब त्रिगुणमयी माया ही वेद है, एक हुआ अक्षर ब्रह्म वही है। कहाँ? गोपाल तापनी, गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद, और शीतोपनिषद के अनुसार वो प्रकृति जिसको कहते वही तो ओंकार है। उधर तीन गुण है, इधर तीन मात्रा है। तो इसका मतलब महाप्रलय में प्रकट कौन हुआ? ओंकार, वही प्रकृति है। ओंकार से ही क्या क्या, ओंकार में जैसे मिट्टी में सन्निहित घटादि का दर्शन कर लेता है कुंभकार, वैसे ओंकार में ही ऋक यजु साम अथर्व सर्वे वेदायत पद्मावनंती सबका दर्शन कर लिया भगवान ने। दर्शन किससे किया? दृश्य कोटि का तो कौन हो गया? भाषिक कोटि का, जिसका ज्ञान प्राप्त किया ज्ञे कोटि का अभंग आन पूर्वी घटित शब्द या शब्द राशि वहाँ पर है। तो दर्शन में करण कौन है? तो माया ही दो रूप में व्यक्त हो गई ना, शब्द राशि के रूप में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि के रूप में, उसको दिखाने वाले करण के रूप में ही माया के दो विभाग होंगे ना। इस प्रकार से किया तो क्या हुआ? इस प्रकार से क्या हुआ? एक ही पक्ष शास्त्रार्थक ज्ञानम चास्य स्वयं आविर्भवदपि न शास्त्राकार कारणताम उपैति। लेकिन शास्त्रार्थक ज्ञान युगपत एक कालावच्छेदन होने के कारण कौन पहले कौन बाद में, जानाति इच्छति करोति तो नहीं ना? जानाति फिर इच्छति फिर करोति, वो तो वेद राशि का ज्ञान और वेद राशि का दर्शन और वेदार्थ का ज्ञान एक साथ हो गया। एक साथ हो गया तो रचना का प्रकार कैसे होगा? रचना तो खत्म। क्या गंता और गम्य का एकत्व हो जाने पर गमन क्रिया की सार्थकता रहेगी क्या? अगर काल भेद से होता, वेद का ज्ञान होता पहले, अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का ज्ञान पहले होता, उसके अर्थ का ज्ञान बाद में होता, तो अब उस ज्ञान के बल पर फिर वेद का उपदेश करते। जब एक कालावच्छेदन युगपत अपर्यायण ज्ञान हो गया तब फिर वेद की रचना तो भगवान के द्वारा भी की नहीं जा सकती। तो वेदार्थविद होने पर भी भगवान ने वो ज्ञान पूर्वक कोई वेद की रचना की हो ऐसी बात नहीं। जैसे जो है बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष क्या होता है, श्वास, स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति जो सांस लेता है बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष,
तो वेदों का जो साक्षात्कार हुआ भगवान को वो तो बुद्धि प्राप्ति निरपेक्ष, लेकिन जब उपदेश दिया उन्होंने ब्रह्मा आदि को तो बुद्धि प्रयत्न सापेक्ष। दर्शन काल में बुद्धि प्रयत्न निरपेक्षता, उपदेश देने के समय बुद्धि प्रयत्न सापेक्षता, इतने अंश में पौरुषेयता आ गई, रचना के दृष्टि से पौरुषेयता नहीं आई। ओम अच्छा दादी, अब तो बहुत परिश्रम भी हो गया 3 बजे से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।